जहां तक वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह ताला से कहेंगे, अल्लाह मुझे तो मालूम ही नहीं था, कयामत के दिन अल्लाह से कहेंगे अल्लाह मुझे तो मालूम ही नहीं था, और ये कहकर बच जाएंगे। क्या ऐसा है? क्या ये कहकर बच सकते हैं कि अल्लाह मुझे मालूम नहीं था? तो मेरे भाइयों बहनें, हम इसमें ये देखते हैं कि एक वो शख्स है जो दुनिया की बहुत सारा इल्म हासिल कर सकता है, स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज की अगर सारी किताबें मिलाना शुरू करे एक के ऊपर एक, तो उसकी हाइट से ज्यादा किताबें वो बचपन से अब तक पढ़ चुका है, सारी टेक्स्ट बुक सारी नोटबुक जो जो किया है उससे ज्यादा पढ़ चुका है, लेकिन उसके पास दीन का इल्म, उसके रब के बारे में इल्म, जिसने उसे बनाया उसके बारे में इल्म हासिल करने का वक्त नहीं मिला? क्या उसे ये सोचने का वक्त नहीं मिला कि वो जिंदगी का मकसद क्या है, कि किसने बनाया है, क्यों बनाया है? तो हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह मुल्क में बताया, सूरह 67 आयत नंबर 10, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जहन्नमी कहेंगे, कहेंगे क्या? लौ कुन्ना नस्मउ औ नाकिलु मा कुन्ना फी असहाबिस सईर, अगर हम सुनते और सोचते तो यहां नहीं आते। क्या कह रहे हैं जहन्नमी? लौ कुन्ना नस्मउ, अगर काश के हम सुन लेते, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं ना मुझे सुनना ही नहीं, बोले तो मैंने तुमने बोले तो सही लेकिन मैं सुनने वाला ही नहीं हूं। कई लोग आते ही नहीं है सुनने के लिए, बोले नहीं मुझे सुनना ही नहीं है वो सब बातें। कई लोग दूर भागते हैं, बोलते सुनना ही नहीं है। अब जहन्नमी अफसोस कर रहे हैं, लव कुन्ना नस्माऊ, काश हम सुन लेते। अफसोस हो रहा है, अरे काश मैं चले आता सुन लेता, तो हक बात तो थी, हक बात तो दिल को लगती है, हक बात के अंदर तो पहचान होती है, उसके अंदर पावर होता है, उसके अंदर स्ट्रेंथ होती है। तो जहन्नमियों को अफसोस हो रहा है, लव कुन्ना नस्माऊ, काश के हम सुन लेते। और ना खिलू, बहुत से लोग बोले सुन तो लिया लेकिन सोचने वाला नहीं हूं मैं इस बारे में, मैंने सुन तो लिया लेकिन मैं इस बारे में सोचने वाला नहीं हूं। तो जहन्नमियों का अफसोस हो रहा है, और ना खिलू, काश के हम सोच लेते। मैं कुन्ना फी असहाबिस सईर, हम ये जिनती हुई आग में नहीं होते। तो मतलब वो लोग सुनते नहीं थे, सोचते नहीं थे, यानी इल्म हासिल करते थे, क्या थे वो लोग? जाहिल थे, बच गए। कहां है वो लोग? जहन्नम की आग में। और क्या हो रहा है? उन्हें अफसोस हो रहा है। तो मेरे भाइयों, ये जो थॉट है ना कि इल्म ना हासिल करके जाहिल रहकर बच जाएंगे, अगर बच जाते तो वो लोगों का क्या कहना होता? हम सुने नहीं सोचे नहीं इसलिए बच गए। लेकिन वो कह रहे हैं काश सुन लेते सोच लेते तो हम जहन्नम की आग में नहीं होते। وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.